नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिक टेक्निकल भादरा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT के जनवरी 2019 के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के सेमेस्टर थर्ड के पेपर फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर्स। शुरू करने से पहले बता दें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए शुरू करते हैं। पेपर फर्स्ट ट्रेड थ्योरी में टोटल आपको 2 आवर्स का टाइम मिला था, 150 मार्क्स का ये पेपर था। टोटल 50 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन था 3 नंबर का और सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। एक अल्टरनेट में घर्षण पिच कोयल का प्रयोग खालिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है बी, हार्मोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, अल्टरनेटर की सक्रिय ऊर्जा को खालिस्तान द्वारा बदला जा सकता है। इसका आंसर है बी, प्राइम कवर गति को बदलकर। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट सर्किट की परिस्थितियों में अल्टरनेटर का ऊर्जा कारक खालिस्तान होता है। इसका आंसर है बी, लगभग 0 लेगिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एक अनुत्तेजक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में खालिस्तान का उपयोग होता है। इसका आंसर है ए, रिलक्टेंस मोटर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग प्रचालन खालिस्तान पर किया जा सकता है। इसका आंसर है डी, केवल लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी ऊर्जा कारक पर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग खालिस्तान साधारणतः खालिस्तान के लिए किया जाता है। इसका आंसर है डी, हंटिंग से बचने और शुरुआती बल प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, 7, सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर करंट की खालिस्तान के लिए अधिक मात्रा होती है। इसका आंसर है सी, दोनों निम्न और उच्च उत्तेजकता। क्वेश्चन नंबर 8, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में बैक EMF खालिस्तान पर निर्भर करता है। इसका आंसर है बी, रोटर की उत्तेजकता पर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंक्रोनस मोटर में बल का प्रयोग खालिस्तान होता है। आंसर है ए, रोटर पोल्स और रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स बीच के कोण के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स खालिस्तान पर निर्भर करता है। इसका आंसर है डी, आपूर्ति वोल्टेज और भार लेकिन आवृत्ति से स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूमिनस स्रोत की रेडिएंट क्षमता खालिस्तान पर निर्भर करती है। इसका आंसर है बी, स्रोत के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सामान्यतः खालिस्तान के लिए किया जाता है। इसका आंसर है सी, सिनेमा प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, कैंडला खालिस्तान की यूनिट है। इसका आंसर है बी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 14, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है खालिस्तान। आंसर है इसका सी, ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस क्षमता खालिस्तान है। इसका आंसर है डी, 60 से 65 ल्यूमन प्रति वोट। क्वेश्चन नंबर 16, एक ल्यूमेन प्रति स्क्वायर मीटर खालिस्तान के समान होता है। इसका आंसर है ए, 1 लक्स। क्वेश्चन नंबर 17, समान अवशिष्ट के लिए कौन सा लैंप सबसे सस्ता है। इसका आंसर है डी, GLS लैंप। क्वेश्चन नंबर 18, ल्यूमेन प्रति वोट खालिस्तान की यूनिट है। इसका आंसर है डी, ल्यूमेन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी गैस का प्रयोग किसी कभी कभी फिलामेंट लैंप में किया जाता है। इसका आंसर है ए, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 20, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का आउटपुट खालिस्तान पर निर्भर करता है। इसका आंसर है सी, फिलामेंट के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 21, टंगस्टन का शेल्टिंग तापमान होता है। आंसर है डी, 3655 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 22, एक फ्यूज को खालिस्तान में जोड़ते हैं। आंसर है ए, फेज लाइन में। क्वेश्चन नंबर 23, आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। इसका आंसर है डी, EMF में कमी, लो हानि में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24, PMEN सिस्टम का पूर्ण रूप है। इसका आंसर है सी, प्रोटेक्टिव
म्यूचुअल अर्थड न्यूट्रल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, आरसीसीबी का पूर्ण रूप है रेजिड्यू, इसका आंसर है ए, रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 26, आईई के अनुसार आवृत्ति में उचित बदलाव खालिस्तान हो सकते हैं, इसका आंसर है ए, 3%। क्वेश्चन नंबर 27, एक एचपी खालिस्तान के बराबर होता है, इसका आंसर है ए, 746 वोट। क्वेश्चन नंबर 28, रोटर की गति को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है, इसका आंसर है डी, टेकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, अतितोष्प लैंप फिलामेंट खालिस्तान से बने होते हैं, इसका आंसर है बी, टंगस्टन वायर। क्वेश्चन नंबर 30, एक कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर चलता है, इसे मूलतः खालिस्तान कहते हैं, इसका आंसर है सी, दो फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 31, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का आरंभिक बल खालिस्तान होता है, इसका आंसर है बी, कम। क्वेश्चन नंबर 32, एक कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को आपूर्ति पर परिवर्तित किया जाता है, उसके कैपेसिटर को बराबर मात्रा में रिएक्टेंस वाले इंडक्टर के साथ बदलकर, तो ये खालिस्तान, आंसर है बी, शुरू और गतिमान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 33, सिंगल फेज मोटर का शुरुआती कैपेसिटर खालिस्तान होता है, बी, इसका आंसर है बी, सॉरी ए, विद्युत अपघटीय कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर जो सर्वाधिक शुरुआती बल देगी, इसका आंसर होगा एक, यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिवर्सल मोटर एक खालिस्तान है जो एसी और डीसी दोनों वोल्टेज पर प्रचलित हो सके, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36, सिंगल फेज मोटर का निर्माण व्यावसायिक तौर पर खालिस्तान तक किया जाता है, इसका आंसर है बी, 2 HP तक। क्वेश्चन नंबर 37, जब यूनिवर्सल मोटर का प्रचालन बिना किसी भार के किया जाए तो उसकी गति को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका आंसर है डी, आपूर्ति वोल्टेज आवृत्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, छत पर लगे पंखों के लिए साधारणतः जिस मोटर का प्रयोग किया जाता है वो खालिस्तान है, इसका आंसर है डी, स्थाई कैपेसिटर टाइप। क्वेश्चन नंबर 39, रिलक्टेंस मोटर खालिस्तान होती है, इसका आंसर है बी, एकल उत्तेजित। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित मोटर है, अप्रतिवर्ती मोटर है, इसका आंसर है सी, प्रतिरोध स्टार्ट स्पीड फेज मोटर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर उच्च ऊर्जा कारक पर कार्य करती है, इसका आंसर है सी, कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 42, शेडेड पोल मोटर की क्षमता खालिस्तान श्रेणी में आती है, इसका आंसर है डी, 5-35%। क्वेश्चन नंबर 43, सिंगल रिंग इंडक्शन मोटर के खालिस्तान होते हैं, इसका आंसर है सी, उच्च शुरुआती बल। क्वेश्चन नंबर 44, इंडक्शन मोटर में प्रवर्त ईएमएफ की आवृत्ति खालिस्तान होगी, इसका आंसर है बी, आपूर्ति आवृत्ति से कम। क्वेश्चन नंबर 45, इंडक्शन मोटर का स्लिप खालिस्तान के साथ बढ़ता है, इसका आंसर है बी, करंट और बल में वृद्धि के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, यदि उत्तेजना गंभीर हो तो अल्टरनेटर का ऊर्जा कारक खालिस्तान है, इसका आंसर है सी, लैगिंग ऊर्जा कारक। क्वेश्चन नंबर 47, अल्टरनेटर के समानांतर प्रचालन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, इसका आंसर है डी, टर्मिनल वोल्टेज और आवृत्ति समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, अल्टरनेटर को खालिस्तान भी कहा जाता है, इसका आंसर है ए, एसी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 49, अल्टरनेटर को खालिस्तान में रेटेड किया जाता है, इसका आंसर है सी, केवीए। क्वेश्चन नंबर 50, तीन फेज वाला अल्टरनेटर सामान्यतः खालिस्तान होता है, इसका आंसर है ए, स्टार कनेक्टेड। तो ये थी आपकी सेमेस्टर थर्ड की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की आंसर की। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।